देखो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर यूनिट नंबर 8 दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड क्रिटिसिज्म. अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म क्रिटिसिज्म? क्रिटिसाइज करना, ये नहीं है, ये तो एग्जैक्ट हो गया ना. अगर आप क्रिटिसिज्म को क्रिटिसाइज करना कहते हो तो ये तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपने जैसे जो इसका सरफेस मीनिंग हो गया. दिस वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. कहां से आया ये? एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है जजमेंट. तो ओवरऑल दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट ऑन द वर्क्स ऑफ लिटरेचर. तो बेसिक अगर हम इसकी एक डेफिनेशन डिफाइन करें तो सिंपल वे में जो डेफिनेशन होती है वो ये है. द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट्स ऑन द वर्क्स ऑफ लिटरेचर इज नोन एज क्रिटिसिज्म या लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी वर्ग के बारे में जजमेंट देते हैं, ओपिनियंस रखते हैं. ओपिनियंस कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव. इट मींस फेवर में भी हो सकती हैं और वो अगेंस्ट में भी जा सकती हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग, क्रिटिसिज्म द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीनिंग जजमेंट. सो ओवरऑल द डेफिनेशन इज कि ऐसी एक्सरसाइज जो किससे संबंधित है, जजमेंट से, और किसके लिए, द वर्क्स ऑफ लिटरेचर इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. वैसे क्रिटिसिज्म तीन चीजों की बात करता है, स्टडी की बात करता है ना, इवेल्युएशन की बात करता है और इंटरप्रिटेशन की बात करता है. ये नोट्स में भी आपको दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको, और नहीं है तो कोई बात नहीं है. यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? द स्टडी इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स. एक डेफिनेशन चाहे तो हम इससे भी बना सकते हैं. ये लिख लिया, लिखना है आप लिख लिए, लिखो इसको, लिखना है. आज पूरी क्लास लिखना ही है, मेगा फोटो नहीं खींचना है, फिर घर जाके लिख लेना, वो ज्यादा बेटर है. ओके. तो अगर इससे हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी? द स्टडी इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ या तो लिटरेचर या लिटरेरी वर्क्स, एक ही बात है, is known as literary criticism. लिखिए. अब इसमें कुछ एक हम राइटर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, कौन कौन से राइटर्स ने कौन कौन सी डेफिनेशन अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म दी है. इसमें सबसे पहला नाम आता है एटकिंस का. सुना है नाम? नहीं सुना होगा. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं वो किसकी है? एटकिंस. चलो लिखिए. क्रिटिसिज्म इज द प्ले ऑफ द माइंड.
हाँ, क्रिटिसिज्म इज द प्ले ऑफ माइंड ऑन द एस्थेटिक क्वालिटीज। हाँ, एस्थेटिक की बात तो होगी ना, क्रिटिसिज्म है तो एस्थेटिक की बात होगी। हाँ, एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ लिटरेचर। एक डेफिनेशन तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, क्रिटिसिज्म इज द प्ले ऑफ माइंड ऑन द एस्थेटिक क्वालिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय द एस्थेटिक क्वालिटीज? वर्क को कैसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बनाया जाए, तो वो सारी चीजें कहां आएंगी? एस्थेटिक क्वालिटीज में आएंगी। तो उनको आप किस तरीके से उस, ये प्ले का मतलब है एनालिसिस, और किसका? लिटरेचर का। तो लिटरेचर की जो एस्थेटिक्स वैल्यूज हैं उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं? आप एज ए क्रिटिक आप उसको किस तरीके से एनालिसिस करते हो, दैट इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो फर्स्ट डेफिनेशन किसकी है? एटकिंस की है। सेकंड डेफिनेशन लिख लिया, ये सेकंड नाम डालो मैथ्यू आर्नोल्ड का, एक बार लिख लो इसका। एक दो डेफिनेशन है वो जो आपको याद रखनी है। लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड नाम लिख लो दूसरा। मैथ्यू आर्नोल्ड, देखो ये कहते हैं, लिखो एक बार, क्रिटिसिज्म इज डिसइंटरेस्टेड एंडेवर। क्रिटिसिज्म इज डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपगेट आगे देखो इसमें है प्रोपेगेट के आगे लिखना है आपको द बेस्ट दैट इज नॉन एंड थॉट, दैट इज नॉन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नॉन एंड Thought in the world, in the world. क्या कहा कि क्रिटिसिज्म क्या है? डिसइंटरेस्टेड एंडेवर है टू लर्न एंड प्रोपगेट द बेस्ट दैट इज नॉन एंड थॉट। यानी जिस चीज की चर्चा वर्ल्ड में होती है उसको समझने का और उसको आगे स्प्रेड, प्रोपगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आगे बढ़ाना, टू स्प्रेड समथिंग, तो दैट इज नॉन एज क्रिटिसिज्म। तो एक डेफिनेशन तो हो गई आपकी मैथ्यू आर्नोल्ड, और फर्स्ट हमने पढ़ी थी एटकिंस की, क्रिटिसिज्म इज द प्ले ऑफ माइंड ऑन द एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ लिटरेचर। ठीक है, कि दो लिखो, एक और लिखो इसमें एडमंड गूस। बेटा आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यूनिट, हाँ याद थी, ठीक है, इतना ही ठीक है। यूनिट नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं ना, और जस्ट अभी आप पहले लिख लो, नहीं आप पीछे हो जाओगे। एक बार लिख लो इसको, देखो मैं एक बार वापस बता देता हूं, ठीक है ना, एक बार आप भी देखो। क्रिटिसिज्म, ये जो वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स जजमेंट। सो द डेफिनेशन इज द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट्स ऑन द वर्क्स ऑफ लिटरेचर इज नॉन क्रिटिसिज्म। Criticism is for study, evaluation and interpretation of literary works या literature. So
हमने इससे डेफिनेशन बनाई, द स्टडी इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और इसमें हम फर्स्ट स्कॉलर हु गेव द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या थी, क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है, प्ले ऑफ माइंड है, और कैसी क्वालिटी, एस्थेटिक क्वालिटी, किसकी, लिटरेचर की, तो ये तो किसकी हो गई, एटकिंस की। और सेकेंड नंबर पर आते हैं कौन, मैथ्यू आर्नोल्ड, वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज डिसइंटरेस्टेड एंडेवर। जब आप देखो, अभी हम बात करेंगे कि रीडर में और क्रिटिक में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडर एंड अ क्रिटिक, रीडर का पर्पज क्या है और क्रिटिक का पर्पज क्या है, लिटरेचर का पर्पज क्या है, अच्छा कौन बताएगा, व्हाट इज द एम ऑफ लिटरेचर, हाँ व्हाट इज द, हाँ एंड टू इंटरटेन द पीपल एंड टू टीच द पीपल, टू इंस्ट्रक्ट द पीपल, दो ही उद्देश्य है, और इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक क्रिटिक को क्या करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म करना पड़ता है। आगे बहुत सारी चीजें देखेंगे इसमें। थर्ड नंबर की डेफिनेशन लिखो, ये लिख लिया, ये लिखो फटाफट। अब लिखो एडमंड गूस, एक बार लिख लो फिर वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसका लिखो, क्रिटिसिज्म इज पब्लिश्ड एनालिसिस ऑफ क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वर्क इन लिटरेचर ऑफ फाइन आर्ट, क्या है, क्रिटिसिज्म इज अ पब्लिश्ड एनालिसिस क्वालिटीज ऑफ क्वालिटीज एंड, इसने पढ़ा हुआ है पहले, हाँ ऑफ लिटरेचर इन फाइन आर्ट्स। चलो ये नोट डाउन कर लो एक बार डेफिनेशन, इसमें थोड़ा सा इसमें ये चेंज कर लो, एक मिनट वर्क लिख लो ना, अब वर्क ऑफ लिटरेचर है ना, इसमें लिखो आप थोड़ा सा चेंज करो, अ वर्क ऑफ लिटरेचर या तो इन फाइन आर्ट या ऑफ फाइन आर्ट। तो क्रिटिसिज्म क्या है, पब्लिश्ड एनालिसिस है ऑफ क्वालिटीज का और किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स का, किसका, अ वर्क ऑफ लिटरेचर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये तीन डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या क्वेश्चन, तो डेफिनेशन पूछेगा, किसने दिए डेफिनेशन, सिंपल क्वेश्चन है इससे, तो लिख लिया सबने, अब वापस देख लो आप एक बार। देखो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा ना एक बार, तो आपको बाकी की चीजें वो आसान हो जाएंगी। अभी इसके हम ना इसके क्रिटिसिज्म के कितने टाइप्स होते हैं ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टाइप्स तो क्या है, अगर आपने थियरी पढ़ा हुआ है तो थियरी में जो आपने जो थियरीज पढ़ी उन्हीं से ही तो रिलेटेड क्रिटिसिज्म है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप तीनों डेफिनेशन वापस देख लो। देखो पहली डेफिनेशन किसने दी है, एटकिंस ने, क्रिटिसिज्म क्या है, द प्ले ऑफ माइंड, और किसके ऊपर, लिटरेचर की जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसको आप कैसे समझते हो, हाउ टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स गिवन इन अ पर्टिकुलर वर्क, दैट इज नॉन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एस्थेटिक क्वालिटीज क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, और उनको प्ले ऑफ माइंड क्या है, आप किस तरीके से समझते हो, टू एनालिसिस या टू अंडरस्टैंड। एज ए क्रिटिक आपको क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू होना पड़ेगा, गो थ्रू का मतलब आपको डेप्थ में उसको पढ़ना पड़ेगा। एज ए रीडर आप क्या करोगे, यू रीड ओनली फॉर प्लेजर और एंजॉयमेंट, आपको अच्छा लगा तो पढ़ लिया, नहीं लगा तो आपने उसको बंद करके रख दिया एज ए रीडर। बट एज ए क्रिटिक यू हैव टू बी एक्यूरेट इन द ओपिनियन एंड द एलिमेंट ऑफ पोइट्री और
लिटरेचर, वो सारी बातें आपको जो है वो क्या कहलाता है, द प्ले ऑफ माइंड, और ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस दैट इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब ही है जजमेंट करना, यही तो पढ़ा हमने। अब जजमेंट फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी हो सकता है, इसीलिए क्रिटिसिज्म इज नॉट ए नेगेटिव टर्म, इट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ पोएट्री। अब उसमें क्या होगा, सोसाइटी के पक्ष में क्या है और सोसाइटी के अगेंस्ट में क्या है, दोनों चीजों को रखेगा एज ए क्रिटिक। अगर आप क्रिटिक हो तो आपको दोनों चीजें रखनी पड़ेंगी, इसमें ये तो इसकी क्वालिटीज है और ये इसमें इसकी फ्लॉज है, ये फॉल्ट है, इसको सही करना चाहिए। अभी देखो मैं लिटरेरी थ्योरी को जोड़ के बताऊंगा किस तरीके से होता है। सेकंड देखो मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज डिसइंटरेस्टेड एंडेवर। क्रिटिक को कोई भी पॉइंट चाहेगा ही नहीं कि मेरा वर्क का क्रिटिसिज्म हो, और क्रिटिक सबका दुश्मनी होता है कुल मिला के, इसीलिए कहा कि इट इज नॉट एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें आपको लर्न बहुत कुछ करते हो और प्रोपगेट करते हो, द बेस्ट जो अच्छा है दैट इज नॉन, जो जिसको सब दुनिया जानती है, जिसके बारे में सब दुनिया बात करती है इन द वर्ल्ड, दैट इज नॉन एज क्रिटिसिज्म। अगली बात समझ में, यानी जो चीज बेस्ट है उसको लर्न करना, और लर्न करने के बाद आप क्या करना, प्रोपगेट करना, ताकि सभी लोग उसको जान पाए और सभी लोग उसके बारे में विचार कर पाए, दैट इज नॉन एज क्रिटिसिज्म। थर्ड नंबर की जो डेफिनेशन है दैट इज हु इज एडमंड गूस, क्रिटिसिज्म इज अ पब्लिश्ड एनालिसिस ऑफ क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो ये तो सिंपल है समझना, एक किसी वर्क है लिटरेचर का, उसकी क्वालिटीज को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या करते हो, पब्लिश करते हो और उसका एनालिसिस करते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रिटिसिज्म कहलाता है। अब यहां से आगे हम बात करते हैं, ये क्रिटिसिज्म और थ्योरी में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। तो यहां तक सबका हो गया नोट डाउन। अब देखो आप लिटरेरी है ना, एक तरफ तो है हमारे पास क्या, थ्योरी, और हमारे पास क्या है, क्रिटिसिज्म। अच्छा आप में से कोई है जो इन दोनों को डिफाइन कर सके, देखो थ्योरी तो है प्रिंसिपल और ये है प्रैक्टिकल। थ्योरी में तो देखो सिंपल भाषा में समझो, आपको ज्यादा मतलब इसमें बहुत ज्यादा हाँ डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, पहले समझो थ्योरी क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है। थ्योरी में क्या है, आपको बहुत सारे ओपिनियंस अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा दी गई है, अब उस ओपिनियन को आप किस तरीके से पर्टिकुलर टेक्स्ट पर अप्लाई करते हो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिसिज्म कहलाएगा। सो क्रिटिसिज्म इज रेफर्ड बाय द थ्योरी, सिंपल टर्म क्या बनती है, क्रिटिसिज्म इज रेफर्ड बाय द थ्योरी। थ्योरी के द्वारा ही हमें क्रिटिसिज्म तक पहुंचना होता है, तो थ्योरी को कहा जाता है, इसमें क्या क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ऐसे डायग्राम बना लेना ना, और क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें तो रूल्स और क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, या आप कह सकते हो अ सेट ऑफ आइडियाज, अ सेट ऑफ आइडियाज, या कह सकते हो टूल्स, ये तो कहां आते हैं, थ्योरी में आते हैं, और इसमें आता है इवेल्युएशन एंड एस्टिमेशन ऑफ लिटरेचर। तो इवेल्युएशन का काम कहां होगा, यहां होगा,
तो थियरी क्या है, लेंस या फ्रेमवर्क ऑफ लिटरेचर। लेंस है जिसके माध्यम से आप इसको देखते हो, और ये क्या है, इट इज एक्ट ऑफ एनालिसिस। इसमें क्या करते हो आप, इवेल्युएशन करते हो, स्टडी करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, और यहां सिर्फ आप क्या करते हो, अ सेट ऑफ आइडियाज को पढ़ते हो, रूल्स को पढ़ते हो, प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो, टूल्स को पढ़ते हो, और कहां अप्लाई करते हो, क्रिटिसिज्म में अप्लाई करते हो। इसीलिए क्रिटिसिज्म इज रेफर्ड बाय द थियरी। थियरी है इसीलिए क्या है, क्रिटिसिज्म है। क्लियर यहां तक? चलो सबने लिख लिया, ये क्लियर हो गई बात। आप क्या नाम बेटा आपका? भावना। ओके, समझ में आ गया आपको? हाँ भाई हुसैन, क्लियर है यहां तक? इसमें एक ही देखो, नहीं नहीं, हाँ भाई तू बता, हंसने से काम नहीं चलेगा। अब देखो आप, जनरल क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक तरफ तो मैं लिखता हूं क्या, क्योंकि इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी है, एक तो रीडर है और एक कौन है, क्रिटिक है। चलो क्या अंतर है दोनों में? हाँ बताओ बताओ, हाँ बताओ, पहले तनिष्क, तनिष्क का बताओ। हाँ हाँ साइलेंट, हाँ ओवरऑल ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रीडर एंड क्रिटिक आर डिफरेंट। अरे अब एक जनरल डेफिनेशन बनी कि रीडर एंड क्रिटिक आर डिफरेंट। सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्रिटिसिज्म का, सिंगल गारंटी मेरी। ये यूनिट सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन्थ, इनमें क्वेश्चन सिक्स्थ मैं तो क्या वो सॉरी फिफ्थ सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ, ये साइंटिफिक यूनिट्स हैं। ये पढ़ लिया ना आपने, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो आपके लिए महाभारत से कम नहीं है। फिर तो आप यही करोगे पता नहीं थियरी क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, कल्चरल स्टडीज क्या है। और अगर समझ में आ गया तो आप 20 लोगों को ज्ञान दे दोगे कि मैं समझाता हूं तेरे को, देखो क्रिटिसिज्म क्या है, अभी 5 ही मिनट में समझा दूंगा। सच्चाई है ये, जैसे कल्चरल स्टडीज आपने तैयार किया वैसे ही इसको तैयार करना है। बट हमने लिखा रीडर एंड क्रिटिक आर डिफरेंट, बट क्रिटिक जो है वो रीडर फर्स्ट होता है ना, ही इज अ रीडर फर्स्ट। अगर ये अच्छा रीडर नहीं है तो ये अच्छा क्रिटिक नहीं हो सकता। बीइंग अ क्रिटिक यू मस्ट बी अ गुड रीडर। आपको पढ़ना ही नहीं आता है, आपके अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं है कि आप पढ़ो, तो फिर उसमें कमियां और खूबियां बोले तो मेरिट्स और डिमेरिट्स आप फाइंड ही नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। अब रीडर का मेन उद्देश्य क्या होता है बताओ? रीडर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ता है ना, रीड्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। है ना, इसका मेन पर्पज क्या है, केवल और केवल किसके लिए, क्या लड़की? तो मोस्ट ऑफ तो जितने भी फेमस क्रिटिक्स हैं वो है तो सारे मेल ही। हाँ ही इसीलिए लिखा, ही क्यों लिखा है, लिसन टू मी,
ही और सी, अगर आपको जेंडर पता नहीं है ना तो यू ऑलवेज प्रीफर मेल, जो आपका प्रोनाउन है उसको आप फॉलो करोगे, ही को फॉलो करोगे, ही बिकॉज मेल इज डोमिनेंट। नहीं, उसमें ग्रामर में माना जाता है, इट इज अ रूल, व्हेन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द जेंडर यू ऑलवेज प्रीफर अ मेल प्रोनाउन या डोमिनेंट जो आपका प्रोनाउन है उसको फॉलो। लिख लिया। लेकिन क्रिटिक जो होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ता, उसको क्या करना होता है, टू इंस्ट्रक्ट। अरे वो पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्ट करेगा ना लोगों को। हम जैसे सपोज करो किसी बॉलीवुड मूवी का किसी क्रिटिक ने रिव्यू किया, तो हम क्या करते हैं, ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, उसका रिव्यू देखेंगे कि इसको कितने स्टार मिले, उसके बाद उस मूवी को देखने जाएंगे, है ना। वो अलग बात है कि हम नहीं करते ऐसा। हाँ, वो मैंने पहले लिख दिया, ही इज रीडर फर्स्ट। लेकिन इसका पर्पज क्या है, टू इंस्ट्रक्ट, क्योंकि लिटरेचर के दो ही पर्पज हैं। अभी लिख लेना, लिटरेचर के दो एम हैं, है ना, टू एंटरटेन और टू टीच या फिर इंस्ट्रक्ट, टू टीच द पीपल और टू एंटरटेन द पीपल। बैक आ जाए वापस, तो क्रिटिक को क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू होना पड़ेगा, गो थ्रू द टेक्स्ट, गो थ्रू द टेक्स्ट। गो थ्रू से क्या समझते हो, क्लोज रीडिंग, इट मींस क्लोज रीडिंग एंड क्लोज रीडिंग मींस आप हर एक लाइन को उसको डेप्थ में पढ़ोगे, उसके इंटरनल मीनिंग और आउटर मीनिंग दोनों की बात करोगे, डिनोटेशन और कैनोटेशन दोनों मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए कि सरफेस मीनिंग तो ये है और इसका जो हिडन मीनिंग है वो ये है। रीड बिटवीन द लाइंस, एक टर्म और होती है ना, रीड बिटवीन द लाइन, और ये कब संभव है, जब आप किसी लिटरेरी टेक्स्ट को क्लोज रीडिंग के रूप में पढ़ते हो। आई प्रांजल बात समझ में। सो रीडर एंड क्रिटिक में ये सिंपल सा डिफरेंट है। रीडर, एज अ रीडर आप सिर्फ उसी नोवेल को पढ़ोगे जो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो पढ़ोगे, अगर आपको लगेगा नहीं नहीं है तो आप उसको बंद करके रख दोगे। लेकिन एज अ क्रिटिक, अब वो चाहे वो इंटरेस्टिंग है या इंटरेस्टिंग नहीं है, यू हैव टू रीड इट थरोली, थरोली मीन्स गो थ्रू कंप्लीटली, क्लोज रीडिंग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिटिक एंड रीडर। अब हम बात करते हैं कि कोई भी लिटरेरी क्रिएशन जब होती है तो उसके कितने स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो क्या करेगा, एज अ ऑथर उसको क्रिएशन करना पड़ेगा, दूसरा है उसमें रीडिंग तो उसमें रीडर काम आएगा, और तीसरा है एनालिसिस तो एज अ क्रिटिक। तो तीन का रोल होगा, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी वर्क है उसमें तीन लोग रहेंगे। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, लिटरेरी क्रिएशन या लिटरेरी वर्क के तीन स्टेप होते हैं ना, लिटरेरी वर्क, हाँ ना, क्रिटिसिज्म के नहीं है, ये वर्क के हैं। थ्री स्टेजेज होते हैं, फर्स्ट कौन सा है, क्रिएशन। क्रिएशन किससे रिलेटेड है, ऑथर से रिलेटेड। दूसरा है रीडिंग,
तो रीडिंग रीडर से रिलेटेड है, एंड थर्ड वन इज एनालिसिस या क्रिटिसिज्म, ये किससे रिलेटेड है, क्रिटिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले किसी वर्क को लिखा जाएगा तो रोल किसका होगा, ऑथर का, फिर मार्केट में आएगा वो वर्क, फिर मार्केट में आएगा तो उसको कौन पढ़ेगा, रीडर पढ़ेगा, और फिर क्रिटिक क्या करेगा, उसका पूरा एनालिसिस करेगा, तो थर्ड रोल किसका है, क्रिटिक का है। तो किसी भी वर्क में ये तीनों ही जरूरी है, ऑथर तो है ही है क्योंकि क्रिएशन तो ऑथर ही करना है ना, सेकेंड नंबर रीडर और थर्ड नंबर क्रिटिक, तो इन तीनों से मिलकर कोई एक क्रिएशन तैयार होती है, लिटरेरी क्रिएशन तैयार होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेना, इसका मेन जो एम होता है ना वो सोशल गुड होता है, समझ में आ रही बात, सोशल गुड का मतलब है आप किसी भी वर्क की ऐसी डिमेरिट्स की तारीफ नहीं कर सकते जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, तो ये इसका एम क्या होता है। हाँ, और ये टेक्निक्स पर चलता है जो हमारे क्लासिकल मास्टर्स ने या बड़े बड़े थियरिस्ट ने जो डेफिनेशंस, जो प्रिंसिपल्स, जो टूल्स, सेट ऑफ आइडियाज दैट वर प्रोवाइडेड, उन्हीं के आधार पर आपको क्या करना होता है, क्रिटिसिज्म करना होता है। हाँ, पूरे मेथड्स दिए हुए हैं थ्योरी में, यही तो पढ़ा है हमने, जैसे डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर उसका एक नया मीनिंग निकालते हैं। इसमें भी ऐसा करना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या पर्पज था, पहले तो क्या करते हैं उस पूरे वर्ड को उसके मतलब उसको वापस फ्रेस कर दिया, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बनाना, और उसको क्या होता है, डीकंस्ट्रक्ट, तो अपोजिट हो गया, तो आप उसको तोड़ते हो फिर नया मीनिंग निकालते हो, पहले तोड़ते हो फिर वापस जोड़ते हो फिर मीनिंग निकलता। हाँ, तो ये सारी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी भी आएगी, आपकी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी आएगी, आर्किटाइप्स वाली भी आएगी, इसके अलावा हम फेमिनिस्ट थ्योरी के आधार पर भी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म देखेंगे, स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म देखेंगे, सारे हैं, फॉर्मलिस्ट है, रशियन फॉर्मलिज्म में तो फॉर्मलिस्ट है, और फॉर्मलिस्ट किसके आधार पर, फॉर्म्स के आधार पर, जैसा नाम है। हाँ, इको फेमिनिज्म भी पढ़ेंगे, 10 टाइप्स हैं, वो लिखे हुए हैं आपके नोट्स में, आराम से देख लेने के बाद। अभी ये समझ में आ गया ना, अब हम उन राइटर्स का एक बार ओवरव्यू करते हैं जिनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत कब होती है, कोई बता पाएगा, बताओ। तुम इसमें मेन पॉइंट्स और स्कॉलर्स नहीं, क्लासिकल्स से तो होगी होगी शुरुआत, तो कहां से होगी, क्लासिकल से होगी। तो ये है 4th century है ना, 4th century, और इसमें पहला नाम लिखो आप प्लेटो का, और इनका है आइडियाज ऑन मिमेसिस, आइडियाज ऑन मिमेसिस, चलो पहला लिखो आइडियाज ऑफ मिमेसिस, डिस्कस करेंगे मिमेसिस क्या होता है, मिमेटिक क्या होता है। सेकंड है एरिस्टोटल, अब इससे पता है एक बेनिफिट यह है कि आपको आप क्या पढ़ोगे अपकमिंग डेज के अंदर वो अभी पूरा की पूरा पता लग जाएगा। आप एरिस्टोटल का क्या है, पॉलिटिक्स, ये वर्क का नेम है, है ना, ये वर्क का नेम है। थर्ड नंबर आता है लॉन्गिनस, चलो बताओ क्या है, ऑन द सबलाइन, सबलाइन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, प्रांजल बताओ,
सबलाइन मीन्स क्या होता है आप बताओ भाई, आप बताओ भाई, सबलाइन मीन्स आप बताओ बेटा आप, हाँ हाँ नहीं पता क्या नाम है तेरा, नहीं पता नहीं पता, हाँ बता, हाँ सबलाइन का मतलब होता है जो वक्त सबसे ज्यादा सुपीरियरिटी की बात करे, हिंदी में कहते हैं उत्कृष्टता, समझ में आया उत्कृष्टता वर्ड, उत्कृष्टता समझ नहीं आया, उत्कृष्ट समझ आया, सुपीरियरिटी की बात करें समझ में आया, सबसे एक्सीलेंट ग्रेट, तो उसका नाम है सबलाइन। और क्रिटिसिज्म में उसी वर्ग को सबसे सुपीरियर माना जाता है जिसमें सबलिमिटी होती है ना। नेक्स्ट देखो, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पे देखो क्वेंटिलियंस, सॉरी हॉरेस को लिखो पहले, वैसे हॉरेस सबसे पहले आना चाहिए वैसे तो, है ना, हाँ हॉरेस सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि हॉरेस से ही इंस्पायर है सारे के सारे, नहीं गड़बड़ नहीं है उसका, क्या इंपोर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है हॉरेस का, हॉरेस इंस्पायर्ड प्लेटो, बस इतना इंपोर्टेंस है बस, हाँ इसने, अब यही लिख लो आप ऊपर लिख लेना कोई बात नहीं, क्या सिक्वेंस नहीं देखना है हमें इसका, सिक्वेंस हम पढ़ेंगे, हॉरेस का है आर्स पोएटिका, आर्स पोएटिका, चलो चार वर्क हो गए। अब ये नेम भी आपको याद रखने क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। उसके बाद है क्वांटिलियंस, ये कहां से आ गया इसमें, एक मिनट रुको, इसका क्रिटिक का नाम है क्वांटिलियंस क्रिटिक है जिसका वर्क भी है, क्रिटिक है नंबर फिफ्थ पे लिखो क्वांटिलियंस, क्वांटिलियंस, और इनका वर्क है इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरेटरी, इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरेटरी, ऑरेटरी क्या होती है, ऑरेटरी क्या होती है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग ना, ऑरेटर होता है ना, हाँ। सिक्स नंबर पे लिखेगा आप फिलिप सिडनी, ये तो नाम सुना होगा, इनका वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी, पोइट्री नहीं, पोइट्री किसी दूसरे का, है ना, पी ओ ई एस आई ई, जॉन ड्राइडन, नहीं इनका नहीं है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, आर्केइक वर्ड है ये, होता इसका मतलब पोइट्री है बट इट इज एन आर्केइक वर्ड, अभी प्रेजेंट में चलता नहीं, पीबी सैली का है डिफेंस ऑफ पोइट्री, इन डिफेंस ऑफ पोइट्री। एट नंबर पे लिखिएगा आप पियर कॉर्न कॉर्नेल, कॉर्नेल, और इनका वर्क है थ्री यूनिटीज, एक्शन टाइम एंड प्लेस, यूनिटीज ऑफ एक्शन प्लेस और टाइम, किसने बताई थी थ्री यूनिटीज, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का ही है ये, और इसको शेक्सपियर ने एक यूनिटी को छोड़कर दो को फॉलो किया है, आगे पढ़ेंगे आगे चल के ना, थ्री यूनिटीज ऑफ एक्शन टाइम एंड प्लेस, थ्री यूनिटीज कौन कौन सी, एक्शन एक तो ये हो गई, दूसरी कौन सी है टाइम, और तीसरी कौन सी है एंड प्लेस,
अब ये भी याद रखना, अगर कोई पूछे कि थ्री यूनिटीज कौन सी हैं ऑफ लिटरेचर, तो एक्शन, टाइम और प्लेस, इन तीनों के आधार पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। इसके बाद लिखो एलेक्स, नहीं है तो आ जाएगा, डोंट वरी। अब लिखो अलेक्जेंडर पोप, काफी फेमस है इनका एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसमें ये लाइन है, कौन सी, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती करना मानवीय है और किसी को माफ कर देना भगवान होने के समान है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस लर्निंग, पोप ने तो लर्निंग ही कहा था, बाद में चेंज कर दिया गया है। हाँ, तो ये दोनों उसी के हैं। तो 9 नंबर पे लिखेंगे हम, पोप लिख लो, ये आपने एमए प्रीवियस में पढ़ा होगा, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। चलो नेक्स्ट नाम है इसमें नंबर 10, लिखो एडमंड बर्क। कुछ एक अगर राइटर इसमें नहीं है तो वो आपको अलग से पढ़ा दूंगा, आ जाएगा, आ जाएगा सबका, आ जाएगा, नहीं आएगा तो लिख लेंगे। और इनका वर्क थोड़ा बड़ा है, अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इंटू द ओरिजिन, इंटू द ओरिजिन ऑफ आर आइडियाज, ऑफ आर आइडियाज, ऑन द सबलाइम, एंड ब्यूटीफुल, ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। डेट्स तो वर्क में पढ़ लेंगे ना, डेट्स तो वर्क में पढ़ लेंगे, अभी तो सबके पर्टिकुलर राइटर के वर्क पढ़ेंगे। अब लिखो एस्टी इमैनुअल कांट, है ना, सारे हैं इसमें, सारे हैं, कोई बात नहीं, अलग से लिखवा देंगे, उसमें भी नहीं है, ये नए वाले में भी नहीं है, कुछ चीजें लिखवाने के लिए होती है, इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है इसलिए उसमें डाली नहीं है, लिखवा देंगे वैसे। क्रिटिक ऑफ जजमेंट, सेम ही है वो, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्या बेटा, इमैनुअल, क्या क्या, हाँ फॉर्मेट, कुछ एक चीजें हटा दी हैं जो लेस इंपॉर्टेंट थी, वो हटाई है, जोड़ा कुछ नहीं है। एसटी कॉलरिज का बड़ा फेमस है, बोलो कौन सा है, बायोग्राफिया, अब तो याद आ गया, एसटी कॉलरिज का एक साथ में वर्क और है विलियम वर्ड्सवर्थ के, लिरिकल बैलेड, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन सा नंबर था, 11 नहीं 12, 12 लिखो एसटी कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया है ना, आर ए आर आई ए, नहीं 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 ये है, 13 नंबर पे देखो आप, पीबी सैली,
क्या नाम है इसका पूरा? हाँ, और एसटी कॉलेज का ये 22 नहीं है, 20 है ना? नहीं, 22 नहीं है, वो 20 है। किसका? वही तो बोल रहे हैं, पर्सी बिस शैली। इनका है इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, और वो क्या है? पोइट्री। बस चलो, पोइट्री। इसके बाद लिखो आई ए रिचर्ड्स। क्या वर्क है इनका? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। किसका? पर्सी बिस शैली। पीबी शैली का ना, पर्सी बिस शैली। हाँ, विस नहीं, बे। मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू, क्या नाम है, कौन सा वर्क है जो आप कंफ्यूज करेगा पोप के वर्क से? ऐसे एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, और दैट इज एसेज। वो हाँ, ये ध्यान रखना, वो क्या है? एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, और ये है एसेज इन क्रिटिसिज्म। ऐसे नहीं, एसेज, और वो केवल ऐसे है। हाँ, जॉनसन कर बोलो उसमें से। पीछे रह गया क्या कुछ? मुझे दो, ये लिख लेते हैं ताकि आप कभी ओवरव्यू लोगे ना तो फट से याद हो जाएगा। हमको क्रिटिसिज्म के रूप में देखना है वर्क। क्रिटिसिज्म को लेकर कोई स्पेशल वर्क नहीं है इनका। इस बेन जॉनसन का, सैमुअल जॉनसन का होगा शायद। चलो, ये तो इनके मेन मेन क्या हो गए, आपके वर्क हो गए, और भी कुछ वर्क रहेंगे। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इनसे शुरुआत होती है, मेन मेन से। ये तो मेन है, ये तो पढ़ने हैं, और डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके हर हाल में बनेंगे। तो टोटल हमारे पास 15 है, इसके अलावा भी छोटे छोटे हैं, वो आपको आगे मिल जाएंगे। जैसे बेबिट हो जाएगा, विलियम एम्पसन हो जाएगा, और ऐसे तो हम किसको भी देख लेंगे, क्या नाम से, क्या एल्केमिस्ट देख लो तो आप एक बार। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया सबका। अब देखो, आप एक बार वापस देख लीजिए। आप देखो, इसमें मेन मेन वर्क है, है ना, प्लेटो आइडियाज ऑन मिमेसिस, एरिस्टोटल पॉइटिक्स, लॉन्गिनस ऑन द सबलाइन, और हॉरेस का क्या है, आर्च पॉइटिका, क्विंटिलियंस का क्या, ये उंगलियों पे होने चाहिए ऐसे, कभी भी पूछो तुरंत बताओ। क्विंटिलियंस का क्या है कि इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरेटरी, फिलिप सिडनी कौन सा वर्क लिखते हैं, डिफेंस ऑफ पॉइजी, जॉन ड्राइडन कौन से लिखते हैं, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पॉइजी। अब देखो, एक हाँ, क्विंटिलियंस नाम है, पॉइट का नाम है क्विंटिलियंस, क्लासिकल पॉइट है ये, जो यहां तक है ना आपके फिफ्थ नंबर तक, ये पांचों ही क्लासिकल है, प्लेटो, एरिस्टोटल,
लॉन्गिनस, हॉरेस और क्वेंटिलियन, ये पांचों ही क्या हैं आपके, मार्कुस क्वेंटिलियंस ऐसा कुछ नाम है, बड़ा बड़ा नाम है। इसके बाद फिलिप सिडनी हो गया, जॉन ड्राइडन हो गया, कॉर्नेल हो गया, देन अलेक्जेंडर पोप, एडमंड बर्क, इमैनुअल कांट और एस्टी कॉलरिच, पीबी सैली, आई ए रिचर्ड्स और मैथ्यू आर्नोल्ड एंड मेनी मोर, एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे जो देखेंगे हम। अब देखो आप, क्रिटिसिज्म के कई सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप्स का मतलब एक टाइप तो वो है आपका जो इसमें दिया हुआ है आपके नोट्स में, है ना, नोट्स सबके पास होंगे, निकालो देखो एक बार, देखो आप शेयर कर लो, साथ में छोड़ दिया, अभी ले जाना। बेन जॉनसन है और सैमुअल जॉनसन है। इसमें देखो पहले आपको 10 टाइप दिए गए हैं, फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल, मिथोलॉजिकल, न्यू हिस्टोरिसिस्ट, साइकोलॉजिकल, डीकंस्ट्रक्शनिस्ट, रीडर रिस्पॉन्स, सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल में दो आ जाएंगे, मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट, देन जेंडर क्रिटिसिज्म और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये आपके कितने हैं, 10 नहीं है वैसे तो, 12 और 13 हो गए ये, इनमें सब टाइप्स भी है ना। लेकिन एक आधार और है कि जब भी हम किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके भी कई सारे प्रकार हैं, तो उनको हम मेन मेन देख लेते हैं, देखो कौन कौन से हैं। यहां तक तो सबका हो गया, अब लिखो टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, और सबसे पहला देखो इसमें लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म कौन सा है, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, सबसे पहले लिखिएगा दैट इज लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, ये लिखो आप सबसे पहले लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, हट गया क्या, नहीं नहीं बच गया। देखो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है और कौन इसको फॉलो करता है, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म टू राइट एंड ले डाउन कैनन्स, रूल्स, फॉर्मूले ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, यानी इसमें क्या होता था, टू राइट कैनन समझते हो ना, कैनन क्या होता है, रूल्स होते हैं ना, टू राइट एंड ले डाउन कैनन, इसके अलावा है इसमें रूल्स एंड फॉर्मूली है ना ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, कैनन का मतलब प्रिंसिपल और सी ए डबल एन हो गया ना तो तोप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, अगर डबल एन कर दिया ना इसमें तो उसका मतलब, हाँ अगर ये कर दिया तो इसका मतलब फिर है आ स्ट्रॉन्ग गन फिक्स्ड ऑन फोर व्हील्स, उसको क्या कहते हैं, ये वाला कहना नहीं, लिटरेरी कंपोजिशन, और इसको सबसे ज्यादा कौन फॉलो करते थे, तो इसको करते थे एलिजा बेथन्स, एलिजा बेथन जो एरा है वो सबसे ज्यादा कौन से क्रिटिसिज्म को फॉलो करता था, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, करो नोट, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म इज अ टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इन विच रूल्स राइट डाउन ले डाउन और लिटरेरी कंपोजिशन, यानी किसी भी लिटरेरी कंपोजिशन के लिए कुछ एक कैनन्स बना दिए जाते थे, कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए जाते थे, कुछ फॉर्मूला तैयार किए गए थे कि इन्हीं के आधार पर आपको वर्क को लिखना है, और ये कौन फॉलो करता है, कौन सा एरा फॉलो करता है, दैट इज एलिजाबेथन, कब शुरू होता है एलिजाबेथन,
आप बताओ एलिजाबेथन की शुरुआत कब होती है? When was the Elizabethan era started? बोलो 49. एनीवन किसी को आई 19th भावना 1658 to 1603 that is Jacobian James first का जमाना, उसके बाद Carolian, उसके बाद अच्छा इससे पहले आओगे तो कौन कौन से आ जाएंगे? एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन. आपको तो पढ़ाया हुआ है मिडिल एज को हम जबरदस्ती मानते हैं, उसमें वैसे कोई मिडिल एज नहीं है, प्री एलिजाबेथन है वो. 1558 से पहले का जमाना प्री एलिजाबेथन है. अब उसमें तो एज ऑफ रिवाइवल भी आ जाता है, डार्क एज भी आ जाता है ना, उसमें तो बहुत सारे और भी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं उसमें. तो अब चौसेरियन अलग चीज है, वो तो फिर चौसर का जमाना हो गया, एज ऑफ चौसर, वो पूरा उसी में आ जाता है. ये लिख लिया. अब सेकंड लिखो आप, सेकंड टाइप है इसका जुडिशियल क्रिटिसिज्म, दैट इज जुडिशियल क्रिटिसिज्म. देखो लिटरेचर के बारे में जितना डिस्कस करोगे उतना ही आपके जो आपके फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, नहीं अगर डिस्कस नहीं करोगे तो भूल जाओगे. इसको फॉलो करने वाले कौन कौन है, सॉरी इसको फॉलो करने वाले किसके वर्क को फॉलो करते थे? तो क्लासिकल मास्टर्स के वर्क को फॉलो किया जाता था. इसमें इसमें लिखो सीक टू प्रोनाउंस, सीक टू प्रोनाउंस जजमेंट्स seek to pronounce judgments on works of literature. Oh, hey, on works of literature. और ये रूल्स किसके द्वारा बनाए गए थे? एरिस्टोटल, हॉरेस और इसको सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं डॉक्टर जॉनसन. इसके मेन जो स्कॉलर हैं वो कौन है इस क्रिटिसिज्म के? डॉक्टर जॉनसन. बेन जॉनसन अलग है, सैमुअल जॉनसन अलग है. डॉक्टर जॉनसन कह दो या सैमुअल जॉनसन कह दो, एक ही बात है, ध्यान रखना है ना. गॉट इट? किसको? जुडिशियल को. देखो लिसन लिसन लुक एट हियर, जुडिशियल क्रिटिसिज्म क्या होता है? सीक टू प्रोनाउंस जजमेंट. आप क्रिटिसिज्म को करते हो किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स. और रूल्स किसके द्वारा बनाए हुए हैं? एरिस्टोटल और हॉरेस के द्वारा. और इसके सबसे बड़े स्कॉलर कौन है? डॉक्टर जॉनसन. हाँ, जो इस आधार पर क्रिटिसिज्म को आगे प्रोपगेट करते हैं. अब लिखो थर्ड नंबर,
लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लिखो थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म। नंबर थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट है थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म डील्स विद लिटरेरी एस्थेटिक्स। इट डील्स विथ एस्थेटिक्स लिटरेरी एस्थेटिक्स। इसको कौन कौन फॉलो करता है? सिडनी और ड्राइडन। हाँ, फिलिप सिडनी का कौन सा वर्क है? एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, इसी पर आधारित है। बैक लें, इसके बाद लिखो इवेलुएटिव क्रिटिसिज्म। इवेलुएटिव क्रिटिसिज्म वैसे तो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको दो दो पेज पढ़ने पड़ेंगे। अभी इसका क्या चिस्ट हो गया है। नंबर फोर्थ पे देखो आप कौन सा है, इवैल्यूएटिव क्रिटिसिज्म। सोचना नहीं है, बताना है। हाँ, नहीं नहीं गलत हो सकता है, राइटिंग में कई बार गलत हो जाता है, लिखने का काम कम पड़ता है ना। राइटिंग कब अच्छी होगी आपकी? व्हेन यू राइट अलॉट, तभी अच्छी हो सकती, नहीं तो गलती होना मतलब ह्यूमन नेचर है। हाँ, राइटिंग तो ठीक ही है। डील्स विद द असेसमेंट और इवेल्युएशन ऑफ द वर्क ऑफ द वर्थ और सिग्निफिकेंस। लिखो डील्स विद इट डील्स विद द असेसमेंट, बात है नहीं, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन इवेल्युएशन ऑफ द वर्थ ऑफ द वर्थ ऑफ सिग्निफिकेंस। ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट। इसको एक मिनट कैसे लिखो, ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, या तो असेसमेंट किया जाएगा या इवेल्युएशन किया जाएगा। और इसको कौन फॉलो करता है? तो टी एस इलियट। टी एस इलियट, और ये बात करता है मॉरल और प्योरली मॉरल वैल्यूज की, या तो मॉरल की बात करेगा या पर्सनल चीजों की बात करेगा, है ना। या तो मॉरल की बात करेगा या किसकी बात करेगा, पर्सनल, उससे अटैच करके देखेगा, तभी तो असेसमेंट करेगा। या मॉरली आधार पे करेगा कि वो सोसाइटिकल गुड है या नहीं है,
उन दोनों आधार पर कौन सा होता है आपका इवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म होता है। अब लिखो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, कौन सा है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। नाम से ही पता लग रहा है इसका तो। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, लिखो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। इसमें लिखो आप वर्क ऑफ आर्ट, लिखो वर्क ऑफ आर्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द एज इन विच द वर्क इज रिटन। मैं लिख देता हूं वर्क ऑफ आर्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द एज, द बैकग्राउंड ऑफ द एज व्हेन द वर्क इज रिटन। शेक्सपियर के वर्क का एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस एज को समझना पड़ेगा, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अगर पढ़ना है तो आपको पहले उस टाइम को जानना पड़ेगा कि उस टाइम में क्या कॉन्टेक्स्ट था। अदरवाइज व्हेन यू इंटरप्रेट एनी लिटरेरी वर्क तो हो सकता है कि आप लोगों को गलत सिखा दो, क्योंकि हर टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड चेंज हो जाती है। जो बात आज अप्लाई होती है वो 10 साल बाद अप्लाई नहीं होगी, या आज से बिफोर 20 इयर्स जो रूल्स जो कैनन अप्लाई किए जा सकते थे वो मॉडर्न एज में अप्लाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि एज बदलता है तो फैशन बदलता है, फैशन बदलता है तो लैंग्वेज बदलती है, और लैंग्वेज में तो सीधा सीधा फैशन काम करता है, लिटरेचर भी बदलता है, जाहिर सी बात है। वो भी पढ़ेंगे। अब दूसरा लिखो, नहीं इसमें फॉलो का नहीं है, तो आप अगर शेक्सपियर के वर्क पे पढ़ना चाहते हो तो जनरल है, इसमें फॉलो वाला नहीं है। अब नेक्स्ट लिखो कंपैरेटिव, नेक्स्ट लिखो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। इसमें क्या करते हैं हम, किसी टचस्टोन मेथड जो है ना, सुना टचस्टोन मेथड, वो इसी का प्रकार है। उसमें क्या करता है कि मैंने कोई एरिस्टोटल का वर्क लिया और मैंने एक मॉडर्न राइटर का वर्क लिया, अब दोनों की क्वालिटीज को मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। अगर वेदर इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी तो दैट इज सबलाइन वर्क, और अगर नहीं है तो उसको फिर अवॉइड कर दिया जाता है। तो अब लिखो कंपेरेटिव, कंपेरेटिव क्रिटिसिज्म। कंपेरेटिव क्रिटिसिज्म टू इवेल्युएट अ वर्क टू कंपेयर it to other या other works। इसकी शुरुआत करते हैं ड्राइडन, लेकिन इसको पॉपुलर बनाया है किसने, टचस्टोन मेथड किसका है, आर्नोल्ड का। तो पावरफुल जो है, सिंपल लिख लो आप दोनों को ही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्नोल्ड, है ना।
क्योंकि ये इन्होंने टचस्टोन मेथड इसी के आधार पर है ना, टचस्टोन मेथड। इन्होंने नहीं किया है, इसने किया है। इन्होंने गलत मत समझ लेना, केवल मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया है। इसने एक मेथड दिया टचस्टोन मेथड, जिसमें आप क्लासिकल मास्टर के वर्क को लेकर आप प्रेजेंट में जो राइटर्स हैं उनके वर्क को कंपेयर करते हो। अगर क्वालिटीज मैच खाती हैं तो आप सोसाइटी में उसको जाने दो, अदरवाइज फिर आप बैन कर दो। पढ़ोगे, ये पूछा जाता है कि हु इन्वेंटेड द टचस्टोन मेथड। हाँ, टचस्टोन मेथड नाम है ये। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म लिखो। हाँ, डाइडन ने मतलब इसको शुरू किया है, इसका शुरू करने वाला है, इसने भी ऐसा कंपेयर किया था। नेक्स्ट लिखना है आपको डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। हाँ, सेवन नंबर डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। ये लिखो, ये क्या है? सेल्फ जस्टिफिकेशन है, सेल्फ जस्टिफिकेशन। यानी इसमें पॉइंट क्या करता है, किसी ने अगर आपके ऊपर आरोप लगा दिए, जैसे स्टेफन गोसन ने क्या लगाए, वो चार आरोप लगाए थे, तो फिर ड्राइडन ने उसका जवाब दिया था कि नहीं दिया था, तो वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ जस्टिफाई कर रहे हैं। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ड्राइडन का, ड्राइडन का क्या है वर्क का नाम है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी, है ना, एसे ऑफ, हाँ, एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी, इसमें वो यही करता है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का। इसमें क्या करता है पॉइंट, अपने वर्क को जस्टिफाई करता है, खुद ही करता है, दूसरे से नहीं करवाता है, सेल्फ जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट लिखो ओन वर्क को, सेल्फ जस्टिफिकेशन द टर्म, इट मींस सेल्फ जस्टिफाई। आप अपना खुद ही क्या दोगे, तर्क दोगे वहां पे कि ये इसलिए लिखा है और इसका मतलब ये है। देखो मेन मेन तो यही है, और नेम और लिख लो जो अगर कई बार पूछ लिए जाए। तो एट्थ नंबर पे देखो आप, इंप्रेशन इंप्रेशनिस्टिक, हाँ, क्रिटिसिज्म, इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म। ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स है। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है ये, हाँ, रिस्पॉन्सेज। अब नेम लिख लो आप एक दो और इसमें जो हैं, बताता हूं मैं आपको, खुद के जो एप्रिसिएशन उसने दिए उन्हीं को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है इंप्रेशन शब्द से। और इसके बाद एक है टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, लिख लो टेक्सुअल। हाँ, इनके बारे में हम थोड़ा सा वैसे देख लेंगे, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। और नंबर 10 पे है आपका साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, साइको
लॉजिकल क्रिटिसिज्म और एक है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, ये तो आप जानते ही हो, ये तो आपके नोट्स में भी दिया हुआ है ना। और एक और लिख लो इसमें, दैट इज आर के टाइपल क्रिटिसिज्म, आर के टाइपल क्रिटिसिज्म। मेन तो हमने जो पढ़े हैं वही है, ये दो का तो हम पढ़ेंगे भी, इसकी ये दोनों तो हम कहां पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले इन दोनों को तो, क्योंकि थ्योरी भी है इनकी, इनकी थ्योरी भी है इसलिए इनको आगे पढ़ेंगे। साइको वाला ये भी थ्योरी है, इसको पढ़ लेंगे। टेक्सुअल में टेक्स्ट की बात होती है, ये एक बार सुन लीजिए आप, देखो टेक्सुअल जो होता है इसमें आपने एक टर्म सुनी, आपने जब लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें था कि डीफेमिलराइजेशन, इसमें टेक्स्ट को फोकस किया जाएगा, क्रिटिक की ना तो एज देखना है, ना टाइम देखना है, ना बैकग्राउंड देखना है, ना एनवायरमेंट देखना है, ना उसके बारे में कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है, दैट इज टेक्स्टुअल। आप सिंपल लिख सकते हो बेस्ड ऑन ओनली टेक्स्ट, लिख लो आगे, इट इज डन on the basis of text, except the poet's personal information, time, period or age, या आप overall पूरा हो गया उसके बारे में। तो ये आपके 12 क्या हैं? Types of criticism हैं। अब इसके अलावा भी criticism हैं, जो theory से inspired हैं। इनमें थ्योरी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें थ्योरी को कहीं जिक्र आया क्या? हाँ, इसमें थ्योरी का कोई जिक्र नहीं है। अब इसमें सारी जो बात करनी है हमें वो किससे संबंधित करनी है? अब आगे थ्योरी से संबंधित है ना, हाँ थ्योरी से संबंधित बात करनी है। तो देखो थ्योरी में जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए जरा है ना, नहीं नोट्स निकालने नहीं, अभी मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं। देखो एक तो क्या हो जाएगा, फॉर्मलिस्ट हो जाएगा, उसके बाद बायोग्राफिकल, मिथोलॉजिकल, मिथ्स की बात है ना, हाँ, न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म, साइकोलॉजिकल और साइको एनालिटिक, ये अभी डिस्कस किया था हमने अभी। इसके अलावा डी कंस्ट्रक्शनिस्ट क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में है ना, और जेंडर क्रिटिसिज्म और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, ये सोशियोलॉजिकल के हैं क्योंकि सोसाइटी की बात होती है, मार्क्सिस्ट में और फेमिनिस्ट दोनों सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये 10 हो जाएंगे। फिर हम एक एक को पढ़ेंगे, जैसे हमारा फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, उसके बाद देखो पूरा इसको पढ़ लेंगे। तो इसके टीनेट्स क्या होते हैं, कैनन्स, प्रिंसिपल्स। देन हम पढ़ेंगे बायोग्राफिकल, इसके 3 टेनेट्स हैं। देन हम पढ़ेंगे मिथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, देन उसके बाद इसके कुछ मेन मेन प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे हम एक एक कर को पढ़ेंगे। तो अब एक बार हम पूरा जो पढ़ा है ना अभी तक का, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं है ना, ताकि आपके कोई भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। शुरू से कर रहे हैं है ना, फ्रॉम द पेज नंबर फर्स्ट। किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो एक बार बता देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हर एक चीज हमने क्लियर कट देख ली है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होता है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, लिटरेरी तो सब आप अगर पीजी किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये भी नहीं समझते हो तो फिर आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म समझो आप, क्रिटिसिज्म इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स जजमेंट, सो ओवरऑल द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट ऑन द वर्क ऑफ लिटरेचर इज नोन एज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के मेन रूप से 3 काम है, स्टडी करवाना, इवेल्युएशन करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो इनका पूरा की पूरा ओवरऑल जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज
क्रिटिसिज्म। एटकिन की डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म इज द प्ले ऑफ माइंड ऑन द एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ लिटरेचर। सेकेंड वन इज मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपगेट द बेस्ट दैट इज नॉन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। तीसरी डेफिनेशन हमने देखी थी एडमंड गूस की, क्रिटिसिज्म इज अ पब्लिश्ड एनालिसिस ऑफ क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेरी ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके बाद देखो लिटरेरी में दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो थियरी है और एक क्या है क्रिटिसिज्म है। तो थियरी क्या है, रूल्स प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ आइडियाज या टूल्स की बात करता है। क्रिटिसिज्म बात किसकी करता है, इवेल्युएशन की बात करता है, एस्टिमेशन की बात करता है, किसके लिटरेचर की। तो ये तो है लेंस और ये है उसका आर्ट ऑफ, मतलब वो तो है रूल्स और ये है प्रैक्टिकल, है ना। ये तो आपको पढ़ाई गई ग्रामर और ये कराए गए एग्जाम्पल्स। सिंपल भाषा में समझो कि थियरी तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्या देती है, कंटेंट रॉ मटेरियल है और उसको आप क्या करते हो या अप्लाई करते हो, इसको लेंस कहा जाता है, इसको एक्ट ऑफ। और क्रिटिसिज्म इज रेफर्ड या इन्फ्लुएंस्ड बाय थियरी, थियरी है तो ही क्रिटिसिज्म है। रीडर और क्रिटिक के बारे में देखा, रीडर का क्या एम होता है और क्रिटिक का क्या एम होता है। क्रिटिक जो है वो पेडागोजिकल व्यू को देखता है, इसमें चाहे लिख लेना, क्रिटिक का मेन क्या है, पेडागोजिकल व्यू। कौन कौन समझता है पेडागोजिकल का मतलब, पेडागोजी क्या होती है, शिक्षा शास्त्र होता है। क्रिटिक का काम भी तो इंस्ट्रक्ट का टीच ही करना तो है, तो आप हाँ द स्टडी ऑफ टीचिंग, हाँ शिक्षा शास्त्र कहते हैं हिंदी में, उसमें आपको टीचिंग करवानी कैसे है, लोगों को कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, उसके पूरे एम्स व्यूज के आधार पर। हाँ फोटो ले सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वन, लिटरेरी वर्क के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्रिएशन होती है, रीडर आता है, सॉरी रीडिंग, रीडर दोनों जगह लिख दिया है आपने, किसी ने ध्यान नहीं दिया, रीडिंग आएगा, ये रीडिंग आएगा, ठीक है। देन लिटरेचर टू इंटरटेन और टू टीच या इंस्ट्रक्ट। देन हमने देखा कि मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सो प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्गिनस और होरेस। प्लेटो का आइडियाज ऑन मिमेसिस, एरिस्टोटल का पॉइटिक्स, लॉन्गिनस का ऑन द सबलाइन, होरेस का आस पोइटिका, फिलिप क्विंटिलियंस का इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरेटरी, फिलिप सिडनी का डिफेंस ऑफ पॉइजी, जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पॉइजी, पियर कॉर्नाइल का 3 यूनिटीज ऑफ एक्शन टाइम एंड प्लेस, पॉप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एडमंड बर्ग का अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, इमैनुअल कांट का है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, देन एसटी कॉलरिज बायोग्राफिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, पीबी सैली का इन डिफेंस ऑफ पोएट्री, ई ए रिचर्ड्स का द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देन मैथ्यू आर्नोल्ड एसेज इन क्रिटिसिज्म। इसके बाद हमने देखो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, देन हमारा जुडिशियल क्रिटिसिज्म, देन द थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म, देन इवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म, देन हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, देन कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, देन डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, देन इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म और मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म और आर्केटाइपिक टाइपल क्रिटिसिज्म। तो ओवरऑल ये 12 हैं और ऐसे 10 टाइप्स और हम देखेंगे अभी, जो तो हम नोट्स के माध्यम से देख लेंगे, और भी जो कोई बातें होंगी उनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये तो आपका पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, दिस इज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। राइटर्स मेन मेन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चंस यहां से बनते ही बनते हैं सबसे। और भी इसमें और 4-5 6 राइटर और है इसमें है, जैसे इरविन बेबिट दिया हुआ होगा, विलियम ईपी थॉमसन दिया गया होगा, और भी कई राइटर्स हैं, बेन जॉनसन जैसे डिस्कस नहीं किया, डॉक्टर जो जॉनसन है या सैमुअल जॉनसन है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जॉन लॉक है, हाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म नहीं है, हाँ वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो तो ए पीस ऑफ वर्क है,
क्रिटिसिज्म में मैंने कहा ना क्रिटिक अलग है और रीडर अलग है और ऑथर अलग है, तीनों ही थ्री स्टेप्स हैं। अगर ऑथर के द्वारा कोई बायोग्राफी लिखी गई, डायरी लिखी गई, तो ऑथर तो खुद उसका क्रिटिसिज्म करेगा नहीं। एन ऑथर कैन नॉट बी अ क्रिटिक जनरली, ऑथर जो है वो क्रिटिक नहीं हो सकता। वो अपने द्वारा कही गई बात को जरूर जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन एज ए क्रिटिक मैं कुछ कहूं किसी भी चीज के ऊपर कहूं, सपोज करो ये मेरे सामने कैमरा है, मैं कहूं नहीं इसके जो लेंस है ना वो सही नहीं है, हमारे वाले के अच्छे क्वालिटी अच्छी आती है उससे, तो इसको तो मैंने क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। मेरे वाले को मैंने क्या किया, सेल्फ जस्टिफाई कर दिया। तो वो आप अपनी बायोग्राफी नहीं लिख रहे, वो तो आप किसी पर्टिकुलर वर्क को लेकर अपनी ओपिनियंस रख रहे हो। अभी देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अभी आपको पता लगा, ये जैसे जैसे राइटर्स को पढ़ोगे ना और क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। एक ऑथर क्रिटिक हो सकता है, लेकिन ऑथर का एज ए ऑथर वर्क अलग होगा, एज ए क्रिटिक वर्क अलग होगा। सारे क्रिटिक तो ऑथर ही होते, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अ क्रिटिक रीडर फर्स्ट, रीडर तो फर्स्ट है तो लिखता है, तभी ऑथर का मतलब कौन है, हु राइट्स लिटरेचर, और क्रिटिसिज्म भी किसका पार्ट है, लिटरेचर का पार्ट है। तो अ क्रिटिक्स इज ऑल्सो अ राइटर, बट अ राइटर इज नॉट ऑलवेज अ क्रिटिक, जरूरी नहीं है वो। यहां से आगे की बात कल करें, ठीक है।